तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, पर आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये बात सच है और ये गूगल पे भी पोस्टेड है। द लास्ट फ्लाइट। इस बात को बहुत सीक्रेट रखा गया। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सेंटियागो की फ़्लाइट EWM 513 जर्मनी के एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्रे के लिए टेक ऑफ हुई। ये यात्रा लगभग 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ घंटों बाद फ्लाइट का कॉन्टैक्ट सेंटर से टूट गया। बहुत दिन बीत गए और इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। फिर फ्लाइट का सर्च मिशन शुरू हुआ कि इस फ्लाइट को किसी तरह ढूंढ लिया जाए, और कुछ सालों में कुछ पता न चलने के कारण उसको बंद कर दिया गया और लोगों ने मान लिया कि ये फ्लाइट अब कभी वापस नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा आसमान निगल गया और कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। इन सब बातों के बाद कुछ साल तक सेंटियागो एयरलाइन चली, उसके बाद इस एयरलाइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि 92 लोगों में से किसी का कुछ पता नहीं चला कि वो आखिर कहाँ गया, और ना ही कोई एक्सीडेंट की खबर आई तो फिर ये प्लेन गया कहाँ। तो दोस्तों, इस EWM 513 को लगभग उड़े हुए 35 साल हो चुके थे। तो 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलेग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखा जो पोर्टो एलेग्रे के एयरलाइन की तरफ बढ़ता जा रहा था। एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ और मेंबर इस प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइन देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गए थे। इन लोगों के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि बिना किसी परमिशन के ये अननोन प्लेन लैंड कैसे कर रहा है। एयरपोर्ट पर बैठे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और एक्साइटेड भी। लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर कौन सी फ्लाइट है ये और कहाँ से आई है। इस फ्लाइट के लैंडिंग के बाद ही पता चल सकता था ये अननोन फ्लाइट्स सही सलामत लैंड हो गई। एयरपोर्ट के स्टाफ दौड़कर इस फ्लाइट की तरफ गए और जो सबसे पहले चीज़ देखी वो थी EWM 513 वाली सेंटियागो एयरलाइन, जो कि 35 साल पहले ही टेक ऑफ हुई थी और कुछ ही घंटे बाद रडार से गायब हो गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एयरपोर्ट के स्टाफ बहुत कोशिश की कि इस प्लेन के अंदर बैठे पायलट से बात हो जाए, पर बात नहीं हो सकी और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने एरोप्लेन के दरवाजे को खुद खोलकर अंदर जाने का फैसला लिया। अंदर जाने के बाद जो उन लोगों ने देखा वो देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। क्योंकि सीट पर सियल्टन्स थे जो सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ये काफ़ी डरावनी बात थी कि जो इंसान सीट पर बैठा होगा टेक ऑफ के समय उसने सीट बेल्ट लगाई। टेक ऑफ के समय सब कुछ सही था, लेकिन लैंडिंग के बाद वो इंसान नहीं रहे और वो स्केल्टन बन गए। अब अंदर का नज़ारा काफ़ी एनिग्मस था और इसका जवाब सिर्फ पायलट दे सकते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस फ्लाइट की जर्नी के दौरान कि सब लोग स्केल्टन बन गए। सभी सिक्योरिटी के लोग दौड़ के प्लेन के पायलट की तरफ गए, यानी कॉकपिट की तरफ। जैसे ही कॉकपिट की दरवाजा खुला तो पता चला कि पायलट भी अब स्केल्टन बन चुके हैं और पायलट के हाथ अभी भी नेविगेशनल पैनल पर हैं। और इन सभी बातों को वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दी। और इस घटना से काफ़ी सारे सवाल खड़ा हुए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्यों कॉन्फिडेंशियल रखी गई इस फ्लाइट की स्टोरी, कैसे उस प्लेन ने लैंडिंग की, के लैंडिंग के समय स्केल्टन में जान थी और लैंड होते ही स्केल्टन में से जान चली गई। ये सारे सवाल हमारे दिमाग की तरह पैनोरगल इन्वेस्टिगेशन के दिमाग में आए और इन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। कई कंक्लूजन्स सामने आए। इन कंक्लूजन्स को सामने लाने वाले थे डॉक्टर डीलो, जो उस समय के काफ़ी फेमस रिसर्चर थे। इन सब बातों को लेकर हमारे मन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि क्यों आखिर वहाँ की सरकार ने इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा। वैसे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।